दोस्तों आज मैं डिब्रूगढ़ में हूँ और वो जो दूर में दिखाई दे रहा है वो है द रिवर ब्रह्मपुत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र के बगल में स्थित है असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। और ये है यहाँ का गेस्ट हाउस और यहाँ पर कॉलेज का लोगो बना हुआ है। ये है प्रिंसिपल्स ऑफिस और ये है फार्मेसी। कैंपस के अंदर ही है और ये पूरी रात खुली रहती है। और ये है SBI ATM ये है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। ये ब्लॉक नया नया बना है। ये है ऑरिक फार्मेसी और इसके बगल में ही है ब्लड बैंक। ये है मैटरनिटी वार्ड। ये है कॉलेज कैंटीन और इसके बगल में एक छोटा सा कैफे भी है। और यहाँ पर कुछ लेडीज हॉस्टल्स हैं। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री। ये है एक बॉयज हॉस्टल। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये है कॉलेज का टेनिस क्लब। और ये है जापान का सकुरा जैसा दिखने वाला एक ट्री। चेरी ब्लॉसम तो है नहीं पर वैसा ही फील देता है। स्टाफ क्वार्टर्स, पीजी हॉस्टल और ये और एक बॉयज हॉस्टल। और ये टाटा का कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है। ये है टीबी हॉस्पिटल।
आप लोग अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट या फिर एडमिशन के लिए आते हैं तो कॉलेज गेट के बाहर ही आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। हम लोग इस होटल में रुके थे, ये मेडिकल कॉलेज के एकदम पास में ही है। यहाँ डबल बेडरूम अराउंड 1500 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा विदाउट एसी। यहाँ का खाना भी अच्छा ही है। चलिए फिर मिलते हैं, भूख लगी है।